कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये तो मोदी ने कही थी, तो मोदी तो झूठ बोलने में, नौटंकी करने में माहिर है। 6 तारीख को एनडीए की मीटिंग में संसद के केंद्रीय कक्ष में एक बार मोदी ने नहीं बोला, एक अकेला सब पर भारी, एक एक छाती पीट पीट के बोलता था ना, गायब। मोदी सरकार गायब, मोदी की गारंटी गायब, भैंस खोल ले जाएंगे गायब, बकरी खोल ले जाएंगे गायब, टोटी खोल ले जाएंगे गायब, मुसलमान गायब, मस्जिद गायब। जो पैसे भर भर के आते थे, जो कि उसमें टेम्पो में पैसे भर भर के बोरियों में पैसे आते थे कांग्रेस को, गायब। मंगलसूत्र गायब। तुम्हारी जो जमीन छीन लेंगे उनको दे देंगे मुसलमानों को, गायब। और ये ईवीएम से चुनाव नहीं होता ना, तो इतनी जबरदस्त चपेट पड़ती कि 40 के नीचे पहुंचा देती जनता, इतना वोट दिया जनता। संविधान बदलने की जो बात कर रहे थे बीजेपी, अरे मोदी की औकात थोड़ी है, संविधान बदल सकता है। यही बात इस बात को सिद्ध करती है कि मोदी किसी का सगा नहीं, किसी का भी। मरीजे इश्क है रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए ये जो बात कही गई थी ये लोगों ने नहीं कही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये तो मोदी ने कही थी। तो मोदी तो झूठ बोलने में, नौटंकी करने में माहिर है, तो उसकी नौटंकी उसका झूठ लोगों ने बता दिया कि भैया हमारे पे ये झूठ थोपने की जरूरत नहीं है। और विशेषकर अयोध्या के लोगों ने बता दिया, अयोध्या के लोगों की, जिनके घर मकान तोड़े गए अयोध्या के विकास के नाम पर, जिनको तबाह कर दिया गया। ठीक इसी तरह से बनारस में जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में मंदिर तोड़े गए, लगभग 3 मोहल्ले पूरी तरह साफ कर दिए गए, जहां 3 बड़े अच्छे मंदिर थे, बड़े नामी मंदिर थे जिनको तोड़ा गया, तो अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, ये लगभग पूरे देश में 10 स्थान हैं जहां जहां के लोगों ने सब बता दिया कि भाई ये जो तुम्हारा मुद्दा है, इस मुद्दे को यहां हम चलने नहीं देंगे। ये देश सबका है, सबका रहेगा, सबका था। तो लोगों ने समझदारी से काम लिया और ये मुद्दा सब गायब हो गए। अब मोदी क्यों नहीं बोलता, अब गायब किस तरह से हो गए? चलो सड़क पर से तो, होर्डिंग में से तो गायब हुए तो हुए, मोदी की जुबान से गायब हो गए। 6 तारीख को एनडीए की मीटिंग में संसद के केंद्रीय कक्ष में एक बार मोदी ने नहीं बोला, एक अकेला सब पर भारी, एक एक छाती पीट पीट के बोलता था ना, गायब। मोदी सरकार गायब, मोदी की गारंटी गायब, भैंस खोल ले जाएंगे गायब, बकरी खोल ले जाएंगे गायब, टोटी खोल ले जाएंगे गायब, मुसलमान गायब, मस्जिद गायब। जो पैसे भर भर के आते थे, जो कि उसमें टेम्पो में पैसे भर भर के बोरियों में पैसे आते थे कांग्रेस को, गायब। मंगलसूत्र गायब। तुम्हारी जो जमीन छीन लेंगे उनको दे देंगे मुसलमानों को, गायब। ये हालत है। तो अभी तो एक चपेट लगी है जनता की, यह है लोकतंत्र और इस देश के लोगों की परिपक्वता, जो लोकतंत्र को जानते हैं। और ये ईवीएम से चुनाव नहीं होता ना, तो इतनी जबरदस्त चपेट पड़ती कि 40 के नीचे पहुंचा देती जनता, इतना वोट दिया जनता ने। 400 पार नहीं कर पाई बीजेपी, 400 मैं कह रहा हूं 40 पार नहीं कर पाती अगर ये भी हट गई होती तो। और ईवीएम के बावजूद भी ये जो 2 करोड़ के लगभग वोटें बढ़ाई गई हैं, अगर ये वोटें नहीं बढ़ाई जाती तो भी 120 पार नहीं कर पाती। ये स्थिति है मोदी की, तो मुंह पे ताला लग गए ना। संविधान बदलने की जो बात कर रहे थे बीजेपी, अरे मोदी की औकात थोड़ी है, संविधान बदल सकता है। संविधान को चूम रहे हैं, नहीं इसका मतलब, संविधान को चूमने का मतलब है कि उसकी बड़ी शैतानी निगाह संविधान पर है कि जब भी मौका मिलेगा उस संविधान को खत्म कर देगा, देश की जनता को सावधान रहना। माथा तो लेट गया, लंबा हो गया था, देखा था पहली बार जब आया था संसद की सीढ़ियों पर, लंबा हो गया था। तो संसद बदल दी, जिसके लंबा हो गया, जिसको छू लिया, जिसको माथा टेक लिया, समझ लो इसका जो है समय आ लिया, इस तरह का व्यक्ति है। इसलिए संसद बदल, लेकिन यस इसीलिए संसद बदल दी,
इसीलिए संसद बदल। लेकिन वो इस देश के संविधान की, इस देश के लोकतंत्र की और इस देश की जनता की ताकत को नहीं जानता है। अरे सर, अयोध्या के लोगों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को, वहां हिंदू नहीं है। नहीं, बताए जा रहे तमाम आरोप लग रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा मैं समझता हूं इस देश के हिंदुओं का, इस देश के उन लोगों का जिन्होंने अब तक इन्हें जिताया, उससे बड़ा अपमान क्या होगा। यही बात इस बात को सिद्ध करती है कि मोदी किसी का सगा नहीं है, किसी का भी। सत्ता के लिए वो कुछ भी कह सकता है। राम का नाम गायब हो गया, गायब। जय श्री राम गायब हो गया। 1 घंटा 12 मिनट 25 सेकंड का भाषण और राम नहीं कहीं उसमें। अब कौन आ गए? जगन्नाथ। एक राम तो जीत गए ना मेरठ से। कौन से? वो राम भी बेईमानी से जीत गया। ईमानदारी से होता तो उसे अपनी जमानत बचानी भारी पड़ जाती। किसकी बात कर रहे हो? मैं जानता हूँ किस तरह से जीता, क्या कहा। सर, असली हिंदू तो मध्य प्रदेश में है, सारा वोट दे दिया है। अयोध्या में तो उन्होंने जो धोबी है उन्होंने हराई है बीजेपी। भैया कहीं भी कह लो असली हिंदू कहाँ है कहाँ नहीं है, पर मैं इतना जानता हूं कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में और साथ में तेलंगाना में, साथ में उड़ीसा में जो ये जीत मिली है ना, इस जीत के पीछे कोई ना कोई हेरा फेरी है, अन्यथा मिल नहीं सकती। जो मैंने आपको बताया ना आंकड़ा, जो 2 करोड़ वोट बढ़ाए गए, मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी क्या कहानी है। ये बहुत जरूरी आपके सामने। ये जो 4 राउंड की गिनती के बाद, वो 4 फेज के चुनाव के बाद में जो आंकड़ा बढ़ा, जिसमें बताया गया कि 6.1% वोट, 6% से ज्यादा वोट बढ़ा, उसमें फर्स्ट फेज में जो वोट बढ़ाई गई वो वोट बढ़ाई गई 18,60,000, सेकंड फेज में जो वोट बढ़ाई गई 32,20,000, थर्ड फेज में जो वोट बढ़ाई गई 22,10,000 और फोर्थ फेज में जो वोट बढ़ाई गई 33,90,000। कुल मिला के लगभग 1,07,00,000 ये वोट बढ़ाई गई। ये सब कुछ डाटा है, हवा में नहीं है, इलेक्शन कमीशन द्वारा। और इसी में जो वोट बढ़ाई गई, असम में जो वोट बढ़ी, इसके हिसाब से जो कैलकुलेट करके सराया, असम में जो वोट बढ़ी 28,000 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 28,000। कई ऐसी सीटें हैं जो 20,000 से नीचे पे हारी है, 20,000 से नीचे पे। इसके बाद जो तेलंगाना में है 60,000 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ाई गई, 60,000। महाराष्ट्र में 30,000 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी, वेस्ट बंगाल में 30,000 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिहार में 15,000, उड़ीसा में 17,000, कर्नाटक में 13,000 से लेकर 15,000 ये वोटें बढ़ाई गई, तब जाके यहां आए हैं। अन्यथा तो सारा घमंड वैसे तो धूल में मिल गया है, पर रस्सी जल गई, बल नहीं गए, वो मोदी का हाल है। बावजूद इसके अपने दम पर सर वो नहीं बना पाए। 17 मंत्री हारे थे मोदी जी के इस बार, 17 मंत्री। अरे मोदी खुद हार जाता भाई अगर बेईमानी नहीं होती। क्या है मोदी बेईमानी होती? स्मृति ईरानी को हार गई। हाँ, स्मृति ईरानी हार गई बिल्कुल निश्चित रूप से, वहां करने नहीं थी ना बेईमानी। अब आप लगा लीजिए कि कितनी जबरदस्त है पब्लिक का विरोध, कितना जबरदस्त है। 2 हिंदू कट्टरवादी महिला बिहार में, नवनीत राणा और मधुलता है वहां की पता काटने वाली, माधवीलता। वहां की जनता को धन्यवाद, वहां की जनता को, वोटरों को धन्यवाद कि ऐसे लोगों का घमंड चूर चूर करना जरूरी था। तो क्या हिंदू कट्टरता नहीं चलेगी चुनाव में? अब कायम है चुनाव में हिंदू कट्टरता। यहाँ धर्म के नाम पर कट्टरता कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ सबसे जरूरी है लोगों को रोजी रोटी मिले, रोजगार मिले, इस देश में सुख और शांति मिले। अब महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार खत्म कर दिए, नौकरी खत्म कर दी, आरक्षण खत्म कर दिया, बेरोजगारों की भारी भीड़ है। हाँ। और आप मजे ले रहे हो और जनता को मूर्ख समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। काशी मथुरा तो बाकी नहीं चलेगा भाई, इस देश की जनता इस बात का निर्णय करेगी। जैसे आपके कर दिया तो मतलब संविधान बचेगा? 100% संविधान को कुछ नहीं कर सकता, इसने जितनी कोशिश करनी थी कर ली। अब आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में जो बचा कुचा ये कूड़ा कचरा है
सारी जनता इसको साफ कर देगी, चिंता मत करो। नीतीश बाबू ने इस बार पलटी नहीं मारी, लेकिन हालांकि वो अभी भी कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्या लगता है मोदी जी मानेंगे? वक्त का इंतजार कीजिए, आने दीजिए, कौन कहां जाएगा, क्या होगा, सबके सामने आएगा। मुझे पक्का विश्वास है 10 दिन में, महीने में, 2 महीने, 4 और 6 महीने में, आखिर में इस देश में सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। आने दो, मरीजे इश्क है रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो चिंता न करो, मोदी जी की तानाशाही अब कम हो जाएगी। मोदी की तानाशाही खत्म, हमने तो तब भी नहीं चलने दी उसकी, अब क्या है, खत्म।